चार लोग जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज की बात कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक घर घर ही उन्होंने शराब बिकवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। शराबबंदी मामले को लेकर एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सवाल उठाया है। दरअसल जीतनराम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि शराब एक पेय पदार्थ है। वहीं उनका ये भी कहना है कि आवश्यकता अनुसार शराब का सेवन करना जरूरतमंद लोगों के लिए लाभदायक होता है। बाकी इस पूरे मामले पर जीतनराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है, ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है, ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। और नहीं तो बोधगया में जाकर देख लीजिए, बोधगया में लोग आता है, दिन में चला जाता है, बनारस चला जाता है, कोलकाता चला जाता है, हजारीबाग चला जाता है। अगर वहां पर शराब ठीक से मिलता, लोग रहता, तो शायद जितना आज वहां फॉरेन एक्सचेंज मिला उसे 10 गुना फॉरेन एक्सचेंज मिलता। इसलिए बिहार में भी हम जो शुरू से कहते हैं कि गुजरात मॉडल पर ही बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, और शराबबंदी के लिए सब लोग चाहता है कि हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज की बात कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक घर घर ही उन्होंने शराब बिकवा दिया, और आज यही का बनना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े शराब के विरोधी हैं। शराबबंदी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सवाल उठाया है। मांझी ने कहा कि शराब एक पेय पदार्थ है, आवश्यकता अनुसार शराब फायदेमंद भी होता है और यह बात हम बार बार कहते आ रहे हैं। वहीं मांझी ने कहा कि खासकर शराब उन लोगों के लिए जरूरी है जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है, और जब हम इस बात को कहते हैं तो लोग हमारी बातों को उल्टा अर्थ निकालते हैं। वहीं गुजरात में आज राज्य सरकार ने गिफ्ट के नाम पर शराब को खुला छोड़ा है, इसलिए गुजरात सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी पर्यटन उस राज्य में जाते हैं उन्हें शराब सेवन करने की अनुमति रहती है। तो जैसा कि उनका कहना है कि हमारे यहाँ यदि पर्यटन डैमेज किया गया है तो वह शराबबंदी के कारण ही है। वहीं बिहार में आज शराबबंदी नहीं होता तो पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। वहीं सरकार भले ही दावा कर रही है कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, वह इजाफा सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। गया में जितने विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, शाम को एक भी पर्यटक गया में नहीं दिख रहे हैं। वहीं शराब के लिए या तो उन्हें यूपी बनारस जाना पड़ता है या फिर झारखंड के हजारीबाग या पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। तो जैसा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि गुजरात सरकार ने शराब को खुला छोड़ा है, जिसके लिए मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूं। वहीं उनका ये भी कहना है कि शराब की वजह से पर्यटकों की संख्या गुजरात में बढ़ रही है और वहीं बिहार में शराब नहीं बिकने से पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।